हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल अगेन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से क्लास नाइन्थ फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, और जो कि हमारा चैप्टर पहले चल रहा है मोशन, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ फिजिक्स। और उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस अभी तक कर लिया है, उसके ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अपलोडेड हैं हमारे चैनल में, वो आप सब देख सकते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन से रिलेटेड पढ़ा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ग्राफ का क्या यूज़ होता है, किसी ग्राफ के थ्रू किसी बॉडी के मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने वो पढ़ा, हमने दो टाइप का ग्राफ पढ़ा, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वी यूज इन मोशन। तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर वो ग्राफ होगा तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए, मोशन के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए किस तरह, किस शेप का ग्राफ हमें मिलता है। हमने देखा कि किसी भी टाइप के ग्राफ में स्लोप फाइंड करें तो क्या मिलता है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करें तो क्या मिलता है, ऐसे ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स भी हमें वहाँ पर मिले। तो वो सब हम बहुत अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आज के टॉपिक में हम आएंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये पूरी तरह से मैथमेटिकल है, सी द नेम ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे बस एक हेडिंग लिख देना और कंटिन्यू करना ऐसा ठीक नहीं होगा, हमें इस हेडिंग को भी पहले अच्छे से समझना होगा, हेडिंग को क्लियरली एक्सेप्ट करना होगा। पूरी तरह से अगर जान जाएं इस चीज़ को, उसके बाद हम जाएंगे टॉपिक में। यहाँ पे 3 इक्वेशंस भी लिख दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, पर इसको हम डराइव करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग पे ही देखते हैं आज का टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हो सकता है कुछ बुक में इतना ही लिखा हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन, कुछ बुक में लिखा रहता है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, कोई बात नहीं, वही चीज बताया जाता है वहां पर यहां पर जो लिख दिए हैं हम हेडिंग, ये कंप्लीटली मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन को बता देता है। जो ट्रू इसका टाइटल होना चाहिए, ट्रूली इसका जो हेडिंग होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा गया है। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जनरली 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, ये तीनों हैं वो, हम इनको ड्राइव करेंगे। पर ये समझना है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ये पर्टिकुलर किस टाइप के मोशन के लिए है, हर एक टाइप के मोशन के लिए नहीं, ठीक है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हम ये वाला टॉपिक पढ़े हैं, एक्सेलरेशन पढ़े हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पढ़े हैं। इवन इफ हम लास्ट क्लास में भी जब ग्राफ्स पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने ये डिस्कस किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर होगा तो किस टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो हमारे लिए नया नहीं है, हमारे प्रीवियस 2 डिफरेंट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर बॉडी का मोशन हो रहा है, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो रहा है, एंड इफ एक्सेलरेशन रिमेन कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना है, वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, बट यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चेंज होगा, एक्सेलरेशन फिक्स्ड रहेगा बॉडी का, ठीक है। तो उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसी के लिए हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हम इन्हें डेराइव करेंगे। ओके बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन वन बाय वन। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इन्हें डराइव करने के लिए हमें हेल्प लेना होगा ग्राफ का, ठीक है। कौन से टाइप का ग्राफ, हम तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स पढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए पढ़े हैं। हमें हेल्प लेना होगा बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हेल्प लेते हुए हम इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सी दिस, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम वेलोसिटी को लेंगे बच्चों इस एक्सिस में,
ऐसे लिया जाता है, वेलोसिटी को हमें वाई एक्सिस पे लेना है, टाइम को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है, हमें ऐसे लेना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि तीनों इक्वेशंस कैसे प्रूफ हो जाते हैं। उसके बाद ग्राफ हमें बनाना है और उसको फिर यूज़ करना है। हम उसमें आए उससे पहले वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें डराइव करना है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उसको भी पहले जान लेते हैं। उन इक्वेशंस में हम यूज़ करेंगे बच्चों टी। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टी, टी क्या होगा? टाइम होगा, टाइम। ठीक है, देखो एक सिचुएशन को समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सिचुएशन ऑफ मोशन। एक बॉडी मूव कर रहा है, ओके, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है। वही हेडिंग लिखें, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जब हमने मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया, इस बात को हम लास्ट क्लास भी यूज किए थे, जब बॉडी के मोशन को तुम देखना स्टार्ट करोगे, ऑब्जर्वर जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा, तब हम टाइम को क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं, टी इक्वल टू जीरो। इनिशियल कंडीशन हम जिसको बोलते हैं वहां पर हम लिख देते हैं टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो का मतलब घड़ी में जीरो नहीं बजा है, वो नहीं होता। उसका मतलब है कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लिखते हैं टी इक्वल टू जीरो। तो जब वो ऑब्जर्वर देखना स्टार्ट किया एट टी इक्वल टू जीरो, उसने देखा कि बॉडी का वेलोसिटी था यू। इसको हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसको? इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? एट टी इक्वल टू जीरो ये है, एट टी इक्वल टू जीरो। जब वो देखना स्टार्ट किया, बॉडी मूव कर रहा है, वो कहां से स्टार्ट किया मोशन, कहां तक जाएगा, डजंट मैटर। ऑब्जर्वर जब देखना स्टार्ट किया बॉडी के मोशन को, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना था? उसका वेलोसिटी था यू। समझ में आ रहा है बात? समझ रहे हैं ना? बॉडी जब मोशन स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी यू, ऐसा नहीं है, तब तो वो जीरो है ना। इनिशियली वो रेस्ट में ही तो था, वहां से स्टार्ट किया तो यू तो जीरो था। उसको हम यू नहीं लिख रहे हैं। यू का मतलब है कि ऑब्जर्वर जब टाइम देखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्वर जब बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम बॉडी का वेलोसिटी कितना था? तो वो था यू। ठीक है ये बात? अच्छा, तो वो देखा, अब वो मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो बॉडी यू वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ए एक्सेलरेशन के साथ चला, और टी टाइम के बाद जब वो देखता है बॉडी के मोशन को, तो देखा कि उसका वेलोसिटी अब बन गया है वी। एक्सेलरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो वी को हम बोलेंगे बच्चों फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एट टी। जब टाइम टी हो गया, जब टाइम टी हुआ, तो उसने देखा कि उसका वेलोसिटी अब बन गया है वी। हमें इतने टाइम के बीच में ही सभी इक्वेशंस को निकालना है। स्टडी इतना ही हुआ है बस। टाइम इक्वल टू जीरो मतलब देखना स्टार्ट किया, टी टाइम तक वो देखा, ये देखा कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते हुए चल रहा है बॉडी, ओके। और जब वो देखना स्टार्ट किया तो यू था वेलोसिटी, और टी टाइम के बाद बन गया वेलोसिटी उसका वी। बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होते होते ये वेलोसिटी चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास पहला डाटा है। क्या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? ऑब्वियसली हुआ होगा, बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो जीरो टू टी टाइम का जो गैप है, इसमें चलो एस अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एस अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो सभी सिंबल्स को पहले हमें माइंड में रखना है, किसके लिए क्या सिंबल हम यूज करेंगे। इतने सिंबल्स हैं हमारे, ठीक है, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? तो पूरा ये सिचुएशन, बॉडी जो मूव कर रहा है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, ये पूरा सिचुएशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब उसी सिचुएशन को लेके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पुट कर देते हैं। सोचो हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन से कंडीशन के लिए बनाएंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाएंगे। लास्ट क्लास में ही हम पढ़े हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है बच्चों, ओके। लास्ट क्लास उस वीडियो में बताया गया था,
we will find a straight line, we will get a straight line for uniformly accelerated motion if we want to draw a velocity time graph. स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर स्ट्रेट लाइन इसके साथ पैरेलल नहीं होगा, टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होगा, इंक्लाइन होगा, कुछ एंगल से इंक्लाइन होगा. ठीक है, चलो हमें ऐसा एक ग्राफ मिला, सीधे ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा. ठीक है, अब देखो मैं यहां से जो स्टार्ट किया हूं इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है ना, टी इक्वल टू जीरो में वेलोसिटी था यू, यही बात है. मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो कॉमा यू, समझ में आ रहा है, सी दिस, जीरो कॉमा यू का मतलब टी इक्वल टू जीरो, टाइम एक्सिस जीरो, वेलोसिटी एक्सिस में यू, तो ये वाला पॉइंट यू है, ये वाला जो पॉइंट है ये है यू, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा यू, वो लिख सकते हैं ना, ये लिखने से चलेगा. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना इसका वैल्यू यहाँ पे है यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे यू. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक U. चलो इसको हम नाम देते हैं, ये ओरिजिन O, ये वाला पॉइंट हो गया A. ठीक है, ये वाला फाइनल पॉइंट हो गया B. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, U है, U वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है. अच्छा देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, ये टाइम जीरो में है, ये सपोज टाइम T पे है, जहाँ तक मोशन स्टडी किया गया है, T टाइम तक कितना बना वेलोसिटी, v बना, तो v कौन सा पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर, v कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा. सीधे यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा v हमारा, होगा कि नहीं, यहां से यहां तक u, यहां से यहां तक v, ये पूरा का पूरा v, ये पूरा का पूरा u, यहां से o टू a ये u हो गया. ओके, इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं इसको सी, ये वी वाला पॉइंट है. ओके, ये पॉइंट है यू, ये पॉइंट है वी, समझ में आ रहा है. ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों, टी कॉमा वी है कि नहीं, टाइम टी वेलोसिटी बना वी, टी कॉमा वी, और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. ठीक है, अच्छा तो ये हमारा ग्राफ है अभी तक. एक काम करते हैं, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. ओके, ए बी सी, ये हो गया डी. ओके, ये वाला पॉइंट को नाम दे देते हैं ई, टी टाइम तक जो है, ये टी टाइम के लिए है, ये पॉइंट टी टाइम को बताता है, ये टी पूरा. ठीक है, तो इसको नाम देते हैं ई. ग्राफ कौन सा है, ए बी, ए बी इज द ग्राफ, समझ में आ रहा है. अच्छा देखो, अब कुछ रिक्वायर्ड लेंथ के ऊपर बात करते हैं. यहाँ से यहाँ तक कितना है, यू, ओ टू ए है यू, उसको लिख देते हैं बच्चों, O टू A, O से लेके A तक ये हो गया U. ओके, O से लेके C तक कितना लिखेंगे, V, O से लेके C तक V. तो देखो सिमिलरली E टू D क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल जैसा ही स्ट्रक्चर है कि नहीं, O A D E रेक्टेंगल है, तो E टू D ये भी तो U बन जाएगा, अगर ये U है तो ये भी U बनेगा. सिमिलरली अगर O टू C अगर V है, E टू B वो भी V बनेगा, E टू B है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक V, यहाँ से यहाँ तक V, वही V. तो बताओ BD कितना बनेगा, BD यहाँ से लेके यहाँ तक है V, यहाँ से लेके यहाँ तक है U, तो V माइनस U लिखेंगे BD को. ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा V, यहाँ से लेके यहाँ तक U, बी डी चाहिए, माइनस कर देंगे वी माइनस यू, समझ में आ रहा है. अच्छा देखो, ओ ई ए डी, ओ ई बोलो या ए डी बोलो, दोनों को क्या लिखेंगे, सीधे टी लिखेंगे, टाइम, ये टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल लाइंस है, ये वेलोसिटी एक्सिस के साथ पैरेलल लाइंस है, तो ये सब वेलोसिटी के अमाउंट्स को बताते हैं और ये टाइम के अमाउंट को बताता है. ठीक है, ग्राफ का पूरा ये स्ट्रक्चर. अब स्टार्ट करें डेरिवेशन. अच्छा देखो बच्चों, सबसे पहला वाला इक्वेशन हमारा होता है, इक्वेशंस को यहाँ पे लिख देते हैं फिर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. पहला इक्वेशन हमें मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमें मिलेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी. देखते हैं कैसे मिलेगा. एक काम करते हैं, ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ग्राफ को यूज करके
लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन. कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट क्लास में सीखे हैं. स्लोप फाइंड कर दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप फाइंड कर दो, यू विल गेट द एक्सेलरेशन. सो लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन. ए इक्वल टू, उसका हमें स्लोप फाइंड करना होगा, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ ए बी. ए बी जो हमारा ग्राफ है उसका स्लोप फाइंड करेंगे. तो देखो स्लोप कैसे मिलेगा. सो ए इक्वल टू, दैट इंप्लाइज स्लोप कैसे मिलता है, दिस बाय दिस. स्लोप फाइंड करना सीखे लास्ट क्लास में. तो यहां पे देखो बी डी बाय ए डी करने से स्लोप मिलेगा, ऑब्वियसली बी डी बाय ए डी स्लोप मिल जाएगा. हमें यहाँ पे बी डी बाय ए डी करना होगा तो स्लोप मिलेगा. बी डी कितना है बच्चों, v माइनस यू है, सी दैट. ए डी कितना है, t है कि नहीं. अब t को इधर लेके आओ एल एच एस में, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. सो t को इधर ले आओ, सो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू बनेगा. दैट इम्प्लाइज u को इधर ले आओ तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी. साइड चेंज कर दो क्वांटिटीज का, तुम्हें ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ओके, हाउ कैन यू डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द ग्राफ. यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. यू विल फाइंड, यू विल डेराइव दिस इक्वेशन. ओके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं. ये समझ में आ गया, नोट करते जाएंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं. इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूँ. इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो बच्चों, s मतलब डिस्प्लेसमेंट. हाउ कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द ग्राफ. ये भी हम पढ़े हैं. अगर ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ है तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया फाइंड कर लो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट. ये भी हम पढ़े हैं. एरिया अंडर दैट ग्राफ अप टू टाइम एक्सिस. ग्राफ के अंडर जितना एरिया है टाइम एक्सिस तक, उतने एरिया को अगर फाइंड कर दिए, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. तो एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ हम लिख सकते हैं ओ ए बी ई. ये वाला क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी ई, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एरिया है कि नहीं. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको देखो हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सी दिस रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है ओ ए डी ई, है कि नहीं. ये रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ, ये एक ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए बी डी. ट्राइंगल ए बी डी. ओके, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जो ओ ए बी ई का एरिया. ओके, सी दिस एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल. लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ मतलब ओ ई, ब्रेथ मतलब ओ ए. सी दिस, इसके लिए हम लिख सकते हैं ओ ई इंटू ओ ए. किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए. लेंथ इंटू ब्रेथ. अब ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना. अब वो तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सी दैट हम लिख सकते हैं हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी होगा कि नहीं. ओके, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अच्छा, अब वैल्यूज यूज कर दो. यहाँ पे जो लिखा गया है ओ ई मतलब टी, ओ ए मतलब यू, तो इन दोनों को टी इंटू यू, यू टी लिख सकते हैं. ये यू, यू ये टी लिखा गया, देखो प्लस. अब यहाँ पे देखो हाफ ए डी मतलब टी, ए डी मतलब हो गया टी, बी डी मतलब वी माइनस यू. सी दैट यहाँ पे टी लिख दिए और ये हो गया वी माइनस यू. बी डी मतलब वी माइनस यू. ओके, अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं इसके लिए. v माइनस यू के लिए क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन से। अब u को इधर ले आओ, मतलब v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए टी होगा सीधे। u को इधर ले आए, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, हम तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुके हैं ना, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी है। अब इसी v माइनस यू की जगह पे, यहाँ पे तो जो v माइनस यू है, इस ए टी को लेके रख दो, सिंपल सी बात है। ओके, तो सी दिस, दिस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये t है और v माइनस यू की जगह पे ए टी, तो सी दैट ए टी स्क्वायर हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सीधा डेरिवेशन, कैसे हम डेराइव कर रहे हैं, लिख देंगे इसको। ओके, और समझते हुए जाएंगे, कोई स्टेप रटना नहीं है, ठीक है। ग्राफ बनाए हैं और जो हम लास्ट क्लासेस में सीखे हैं, स्लोप निकालो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एरिया निकालो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वही काम कर रहे हैं। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हुए, ट्रायंगल का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, हम उसको यूज़ करते हुए डेराइव कर रहे हैं फाइनली। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे। फिर हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन को भी हम वैसे ही पहले लिख देंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। थर्ड इक्वेशन होता है बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। राइट डाउन द इक्वेशन फर्स्ट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, अगेन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अगेन फाइंड दैट एरिया, फिर से उसी एरिया को फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, बट अभी उस एरिया को अलग फॉर्मूले से निकालेंगे। इससे पहले कैसे फाइंड किए, बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, देन दिस ट्रायंगल, देन वी एडेड दैट टू दोज टू एरियाज। अब वैसा नहीं, अब देखो ये ओ ए बी ई एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ट्रापीजियम है बच्चों, देख रहे हैं ना, ओ ए बी ई एक ट्रापीजियम है। तो ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ओके, सो अगेन यू हैव टू राइट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ओ ए बी ई, उसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो कि एक ट्रापीजियम है। अब ट्रापीजियम वाला यूज करेंगे, ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं ओ ए और ई बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस ई बी, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इंटू हाइट, हाइट कौन सा है, ए डी है, ए डी हमारा हाइट है कि नहीं, ये हाइट है और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो सी दिस, हाफ ओ ए की जगह पे लिखेंगे यू, ई बी की जगह पे लिखेंगे वी, सी दिस ई बी इक्वल टू वी, ए डी इक्वल टू टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगेन सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, देखो यहाँ से t को फाइंड कर दो बच्चों क्या होगा, सी दिस v माइनस यू इक्वल टू ए टी, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय a कर देंगे तो t, समझ में आ रहा है, ए टी था ना, a को लाके डिवाइड कर दी, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाय a, दिख रहा है t इक्वल टू v माइनस यू बाय a, तो इस t के जगह पे सी दिस s विल बी इक्वल टू हाफ यू प्लस वी को हम लिखते हैं वी प्लस यू। ओके, टी की जगह पे लिख दो वी माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू बाय ए टी की जगह पे। अब क्या करो, टू इंटू ए, ये जो डिनोमिनेटर में टू इंटू ए है उसको इधर ले आओ, दैट इंप्लाइज यू विल गेट टू ए एस इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, दिख रहा है 2 as इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, एक आइडेंटिटी अब यूज करो, मैथमेटिक्स में पढ़े हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी क्लास 8 से पढ़े हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो यू कैन राइट 2 as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस
u square with my equation. Okay, v square minus u square equal to 2as. So by using velocity time graph for that uniformly accelerated motion, finding the slope of that graph, finding the area under that graph, you can derive these three equations of motion. Okay, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as. तीनों इक्वेशंस को याद रखना है. डेरिवेशन में हमें सीखना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में दिस टाइम एग्जाम में ना आ रहा हो, पर डेरिवेशन सीख के रखना चाहिए कैसे हो रहा है इक्वेशंस प्रूफ. ओके, तो इक्वेशंस याद तो रखना है. इक्वेशंस याद रखने से भी सब कुछ नहीं हो जाता, इसको यूज़ करके वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चों. बहुत से टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में भी है कुछ न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट क्लासेस में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. ओके, तो ये इक्वेशन सबसे पहले हमें याद रखना होगा. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लासेस में हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके और क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई करेंगे. ठीक है, थैंक यू.